धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने के लिए अनुमति प्रदान की। महोदय, मैं उज्जैन मध्य प्रदेश से आता हूं। उज्जैन सोयाबीन उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र है, परंतु इस बार उज्जैन के किसानों पर आपदा आई है और यह आपदा प्राकृतिक नहीं बल्कि मानवीय लालच से पैदा हुई है। अध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग, विपणन संघ व बीज उत्पादक सहकारी व निजी संस्थाओं की मिलीभगत से किसानों को अमानक बीज वितरित किया गया है, जिसके कारण उज्जैन के किसानों की 60% फसल बेकार हो गई है, अंकुरित नहीं हो पाई है और कई किसानों की 100% तक फसल बेकार हो गई है। इन नकली बीजों के चलते उज्जैन का किसान बर्बाद हो गया है। अमानक बीजों का यह रैकेट केवल उज्जैन जिले और संभाग में ही नहीं बल्कि इंदौर के भी कुछ जिलों और में फैला है और इंदौर के कुछ जिलों में FIR भी हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अमानक व नकली बीज से पीड़ित संभाग के किसानों के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान करें। साथ ही केंद्रीय सहायता ही नहीं बल्कि माननीय कृषि मंत्री से निवेदन करता हूं कि एक उच्च स्तरीय कमेटी उज्जैन संभाग में भेजकर जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करें, ताकि किसानों के अरमानों को कुचलने वाले, लूटने वाले लोगों को, अधिकारियों को सजा मिल सके और साथ ही कोई प्रभावी कानून भी इस दिशा में बनाया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।